हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज कोटा अंडर कॉलेज एजुकेशन राजस्थान। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी कोटा क्लास। इस वीडियो में हम सिलोन यानी कि देहगुहा, जिसे प्रगुहा भी कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देहगुहा की जब हम बात करते हैं तो जिन प्राणियों में देहगुहा पाई जाती है, यानी कि देहगुहा एक बॉडी कैविटी होती है जो कि दोनों तरफ से मीजोडर्म के द्वारा घिरी हुई होती है, लेकिन जिन प्राणियों में देहगुहा नहीं पाई जाती, यानी कि कैविटी एब्सेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं एसिलोमेट यानी कि अदेहगुही। सबसे पहले हम अदेहगुही यानी कि ऐसे प्राणियों के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर देहगुहा बॉडी कैविटी सिलोम नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर उदाहरण लेते हैं एसिलोमिक प्राणियों का, तो वो होता है फ्लैटफॉर्म यानी कि चपटे कृमि, जो कि फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस के अंतर्गत आते हैं। एसिलोमिक प्राणियों में जैसा हम डायग्राम में देख सकते हैं, दे डू नॉट हैव एनक्लोज्ड बॉडी कैविटीज, यानी कि इनके अंदर एनक्लोज्ड बॉडी कैविटीज नहीं होती है, कोई बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं पाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे बाहर की ओर एक्टोडर्म है जो कि ब्लू कलर में हमें नज़र आ रही है, उसके बाद मीजोडर्म है जो कि मसल लेयर होती है यहाँ पर, जो कि पिंक कलर में दिखाई दे रही है, और उसके बाद सबसे अंदर अगर यहाँ पर देखें तो ये एंडोडर्म है जो कि गट के चारों ओर होता है, यानी कि आहार नाल के चारों तरफ होता है, और इस गट और इस मीजोडर्म के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है, वहाँ पर एक मेसेनकाइम नामक पदार्थ भरा हुआ होता है, यानी कि देर इज नो बॉडी कैविटी इन द एसिलोमेट, यानी कि देहगुहे प्राणियों में किसी प्रकार की कैविटी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। ये जो डायग्राम दिखा रहा है ये TS है, इस एनिमल का, यानी कि प्लैटिहेलमिन्थेस एनिमल का, जो कि फ्लैटवर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार की देहगुहा नहीं पाई जाती। दूसरा हम बात करें, दूसरा जो ग्रुप है एनिमल्स का, उसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स, यानी कि जो राउंड वर्म्स होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं। राउंड वर्म मीन्स जो फाइलम निमेटोडा के जो प्राणी हैं वो राउंड वर्म्स कहलाते हैं। तो इनकी आकृति गोल होने के कारण, सिलेंड्रिकल होने के कारण, ट्रांसवर्स सेक्शन में सिलेंड्रिकल होने के कारण इनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं। जैसा हमने पहले देखा कि ये जो शेप है ये फ्लैट होता है ट्रांसवर्स सेक्शन में एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, और ये प्लैटिहेलमिन्थेस में आते हैं। जबकि जो राउंड वर्म्स की बात करें, उनका सिलेंड्रिकल बॉडी होता है जिसको जब कट करते हैं तो वो राउंड शेप में दिखाई देता है, राउंड वर्म्स कहते हैं, जो कि फाइलम निमेटोडा में आते हैं, और इनमें इन्हें स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं। स्यूडोसिलोमेट यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट ए ट्रू सिलोम, यानी कि वो वास्तविक देहगुहा नहीं होती है, ये एक देहगुहा का सिर्फ आभास कराती है, इसलिए हम इसे आभासी देहगुहा यानी कि स्यूडोसिलोम कहते हैं, या इस तरह के प्राणी स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो स्यूडोसिलोम होती है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं दिस इज द कैविटी स्यूडोसिलोम, वाइट कलर में जो नज़र आ रही है आपको, लेकिन ये जो कैविटी है जिसे हम स्यूडोसिलोम कह रहे हैं, द स्यूडोसिलोम इज लाइंड विद मीजोडर्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसके बाहर की तरफ तो मीजोडर्म है, लेकिन ये सिलोम के अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ पर इन ऑर्गन्स के चारों तरफ मीजोडर्म नहीं है। तो ये अंतर है कि ये जो कैविटी है इसके बाहर की तरफ मीजोडर्म है, लेकिन इसके अंदर की तरफ यानी कि इन ऑर्गन्स के चारों तरफ भी मीजोडर्म होती, यानी कि इस कैविटी के अंदर की साइड पर, तभी वो सिलोमेट प्राणी कहलाते हैं। यहाँ पर मीजोडर्म सिर्फ बाहर की तरफ है, इसलिए ये जो कैविटी है, जो बॉडी कैविटी, इसको सिलोम नहीं कहकर के हम क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम, और इस तरह के प्राणी स्यूडोसिलोमेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं ब्लू एक्टोडर्म है, पिंक मसल लेयर है जिसे मीजोडर्म कहते हैं, और उसके अलावा एंडोडर्म है जो कि गट के चारों तरफ होती है, लेकिन ये जो कैविटी है, इससे पहले वाले प्राणियों की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कैविटी ही नहीं थी, जो स्पेस था उसमें मेसेनकाइम वगैरह हुआ था ना गट के चारों तरफ, यहाँ पर गट के चारों तरफ कैविटी है,
कुछ तरफ मीजियन कैमरा भी है कुछ, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर ये जो कैविटी है, लेकिन ये कैविटी मीजोडर्म से बाहर की तरफ से तो घिरी हुई, लेकिन अंदर की तरफ से नहीं घिरी हुई, यानी इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ मीजोडर्म नहीं है लेयर, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, सूडो सिलोम, ना कि ट्रू सिलोम। और ये निमेटोड्स में पाई जाती है, जैसे कि हम एस्केरिस की बात करें, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर आइसिलोमेट और सीडो सिलोमेट में। आइसिलोमेट्स में सिलोम एबसेंट होती है, सूडो सिलोम बॉडी कैविटी एबसेंट होती है, आइसिलोमेट्स में क्योंकि सूडो सिलोमेट्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन दैट इज नॉट लाइंड बाय मिजोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। नेक्स्ट द थर्ड वन जिसके बारे में हम बात करेंगे जो है सिलोमेट, तो इन्हें हम देहगुहीय प्राणी कहते हैं। सिलोमेट जिनमें कि जिनमें सिलोम पाई जाती है, देहगुहा पाई जाती है, वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। और अर्थवर्म यानी कि एनेलिडा से लेकर के जितने भी हायर एनिमल फाइलम है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, एमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सभी जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, सभी में ट्रू सिलोम पाई जाती है। ट्रू सिलोम से मतलब हम यहाँ पर समझते हैं कि ऐसी कैविटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द कैविटी, ऐसी कैविटी जो दोनों तरफ से मिजोडर्म से लाइन हो, यानी कि बाहर की तरफ भी मिजोडर्म है और अंदर की तरफ भी मिजोडर्म। कैविटी दैट इज लाइन बाय मिजोडर्म ऑन बोथ साइड्स इज नोन एज ट्रू सिलोम। ठीक है, द सिलोम एंड द इंटरनल ऑर्गन आर ऑल्सो सराउंडेड बाय मिजोडर्म। यू कैन सी द इंटरनल ऑर्गन गट, इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मिजोडर्म एंड दिस कैविटी इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मिजोडर्म। जबकि हम ऊपर के डायग्राम से हम देखते हैं तो यहाँ पर गट के चारों तरफ मिजोडर्म नहीं थी, सिर्फ बाहर की तरफ थी इस कैविटी के, और इसके ऊपर के जो डायग्राम है इसमें तो कैविटी ही नहीं थी। तो इस प्रकार से हम तीनों तरह के प्राणियों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एसिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट एंड सिलोमेट। एक बार फिर से हम समराइज करेंगे। शुरुआत हम करते हैं कि सिलोम को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा। सिलोम ऐसी बॉडी कैविटी है जो कि दोनों तरफ से मिजोडर्म से लाइंड होती है, यानी कि घिरी हुई होती है। तो एसिलोमेट प्राणियों में तो सिलोम एबसेंट होगा, यानी कि कोई बॉडी कैविटी ही नहीं पाई जाती है, और उस जो स्पेस होता है उसमें मेसेनकाइमा भरा हुआ होगा। जबकि दूसरी अगर हम बात करें स्यूडोसिलोमेट प्राणियों की, जिनको हम राउंड वर्म्स कहते हैं, जो कि निमेटोडा ग्रुप में पाए जाते हैं, तो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी वो प्रेजेंट होती है, बट दैट इज नॉट लाइंड बाय मिजोडर्म ऑन बोथ साइड्स, यानी कि उसके दोनों तरफ वो जो कैविटी है वो मिजोडर्म से घिरी हुई नहीं होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ बाहर की तरफ मिजोडर्म है इस कैविटी के, और यहाँ पर अंदर की तरफ यानी कि इन ऑर्गन्स के चारों तरफ मिजोडर्म की लेयर नहीं है, इसलिए ये जो कैविटी है इसको हम सिलोम नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडो सिलोम। और इस तरह के प्राणियों को हम कहते हैं स्यूडो सिलोम। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसिलोमेट एंड स्यूडो सिलोमेट। एंड देन फाइनली व्हाट इज सिलोमेट, दैट दीज एनिमल्स हैव द ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम से हमारा मतलब है ऐसी सिलोम जो दोनों तरफ से मिजोडर्म से घिरी हुई है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कैविटी ऐसी कैविटी है, इसके बाहर की तरफ भी मिजोडर्म है और अंदर की तरफ भी मिजोडर्म है, और ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनके चारों तरफ भी मिजोडर्म की लेयर पाई जाती है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, दैट इज एसिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट एंड सिलोमेट। सो वी टुक द हेल्प ऑफ द लाइव द साइंस ऑफ बायोलॉजी 10th एडिशन फॉर प्रिपेयरिंग this video, and hope you have enjoyed this video, and in the next video we will discuss about the metamerism in animals. Metamerism in animals के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम सिंपली यहाँ पर एक लाइन की मैं बजाने आ चाहूँगा, द दैट द मेटामेरिज्म इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सोमाइट्स वन बी एंड द अदर, यानी कि एक के पीछे एक अगर शरीर में खंड पाए जाते हैं और वो ऐसे खंड होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। और ये हायर वर्टिब्रेट्स में पाए जा हायर वर्टिब्रेट्स हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों में इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं जो मेटामेरिज्म को शो करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू.